हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं MRG अल्टीमस की साइट पे, सेक्टर 90। जो आप स्कूल देख पा रहे हैं, RPS इंटरनेशनल स्कूल, ये जस्ट 100 मीटर की दूरी पे है MRG अल्टीमस से। और दोस्तों, जो सबसे अच्छी बात है, जहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं, यहाँ पे MR लेके आ रहा है EMAAR। MR एक लग्जरी बिल्डर है, यहाँ पे SCO लेके आ रहा है, शॉप कम ऑफिसेज, जो कि आपको इन फ्यूचर यहाँ पे बहुत ही शानदार मार्केट मिलेगी, जो कि जस्ट अपोजिट है MRG सेक्टर 90 अल्टीमस के। हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। जो लेफ्ट में आप जो लैंड देख पा रहे हैं, ये MRG अल्टीमस की ही लैंड है। और जो ये हाई राइज बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये MRG अल्टीमस फेज 1 है। अब जो कंपनी लॉन्च कर रही है, फेज 2 लॉन्च कर रही है। और जो आप ये रोड देख पा रहे हैं, ये है 75 मीटर रोड। अगर हम इस साइड जाते हैं तो ये सीधा रोड जाता है NH8 को। ये रोड मिलता है NH8 में रामपुरा चौक, जो कि नेक्स्ट टू है वाटिका चौक, अगर हम मानेसर टोल साइड से आते हैं। ये कमर्शियल है, जो कि हमारे लोकेशन से 150 मीटर पर पड़ता है। ये पिरामिड का प्रोजेक्ट है, ये भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। जो आप सामने जो चौक देख पा रहे हैं, जो चौक बन रहा है, ये है दादी सती चौक। इस चौक से अगर हम लेफ्ट साइड चले जाते हैं तो हम सीधा चले जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि 1.5 किलोमीटर है। अगर हम सीधा चले जाएंगे तो हम NH8 को पहुंच जाएंगे रामपुरा चौक, जो कि इस हमारी लोकेशन से मात्र 3 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोजेक्ट में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और प्रोजेक्ट का नाम हमें व्हाट्सएप कर देना। जैसे भी हमारे पास डिटेल आती है, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे और एफिडेविट भी आपको शेयर कर देंगे। अगर हम लेफ्ट साइड चले जाते हैं, जिस साइड आप देख पा रहे हैं, तो ये रोड सीधा हिट करेगा पटोदी रोड को, जो कि हमारी लोकेशन से MRG अल्टीमस से मात्र 1 किलोमीटर पड़ता है। और इसके सामने जितनी भी आप हाई राइज बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स। अब मैं आपको MRG अल्टीमस का लैंड पैच दिखा देता हूँ। ये है हमारा लैंड पैच, जो कि आप टिन शेड देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आने वाला है। अब मैं आपको नियर बाय की लोकेशन दिखा देता हूँ कि क्या क्या सुविधा हमको नियर बाय मिलती है। तो आप जो देख पा रहे हैं, ये है RV हॉस्पिटल, जो कि हमारी लोकेशन से मात्र 100 मीटर पर पड़ता है। और हमारी लोकेशन के जस्ट सामने RPS इंटरनेशनल स्कूल है, ये भी मात्र 100 मीटर की दूरी पे पड़ेगा। और इसी की लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है एक पेट्रोल पंप। और जो हमारी लोकेशन के जस्ट सामने MR के SCO प्लॉट आ रखे हैं, जो कि मैंने आपको आते समय भी दिखाया था। और दोस्तों, जो आप कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन यूज़ करें MY1 कंस्ट्रक्शन। ये मैं आपको पुराना प्रोजेक्ट की MY1 कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ जूम करके, जो कि आप देख पा रहे हैं MY1 कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट है फेज 2, इसमें भी MY1 कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, गवर्नमेंट की साइड से एक न्यू अपडेट आ चुका है। जो भी बंदा अफोर्डेबल फ्लैट भरना चाहता है, उसको एक एफिडेविट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लैंड पैच आप देख पा रहे हैं, ये है लैंड पैच अल्टीमस फेज 2 का। इसके जो बैक साइड में जस्ट और इसके लो राइज फ्लोर आएंगे, ठीक है जी। जो भी अपडेट है अभी फिलहाल हमारे पास, और इसके फ्लोर्स आने, और इसके जितने भी बैक साइड में हाई राइज बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं, हाई राइज फ्लैट्स जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे DLF के हैं। ये रीगल गार्डन है, सारे बैक साइड में आपको DLF के हाई राइज टावर मिलेंगे। और दोस्तों, इस एरिया को तो DLF ही चमका देगा काफ़ी, क्योंकि DLF ने काफ़ी लैंड पैच इस एरिया में खरीद रखा है। काफ़ी हाई राइज टावर DLF के बने हुए हैं। इन फ्यूचर यहाँ पे नॉर्मल मेट्रो भी आ रही है, रैपिड मेट्रो भी आ रही है, ISBT भी आ रखा है, ठीक है जी। और अपनी लोकेशन से 1.5 किलोमीटर पे एलान मिरेकल पड़ता है, जो कि गुड़गांव का सबसे बड़ा मॉल है। तो दोस्तों, ऑल ओवर देखें ना, इसकी लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन है, बहुत प्राइम लोकेशन है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी, क्योंकि यहाँ से आपको सीधी कनेक्टिविटी NH8 की भी मिल जाती है, द्वारका एक्सप्रेसवे की भी मिल जाती है, पटोदी रोड की भी मिल जाती है। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपना नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा। या फिर अगर आपको इस प्रोजेक्ट में फॉर्म फिल करना है फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पज, या फिर हम कह सकते हैं एंड यूज़, तो आप मुझे अपना नाम और प्रोजेक्ट का नाम जस्ट आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। जैसे भी हमारे पास डिटेल आती है, आपको सेंड कर दी जाएगी और एफिडेविट बना के भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।